हेलो दोस्तों, चलिए आज एक बार फिर मैं आपको एक अजीबोगरीब घटना से रूबरू कराना चाहूँगा। विदेश में ट्रेन में एक बार एक आदमी भगवा चोला पहने हुए जा रहा था। उसके सामने की सीट पर दो ब्रिटिश महिलाएं, दो अंग्रेज महिलाएं बैठी हुई थीं। अचानक उनकी नज़र उस भगवा चोला पहने हुए आदमी के हाथ पर पड़ती है, जिसने एक घड़ी पहन रखी थी। तो उनको उसको देख कर लगा कि ये काफ़ी महंगी घड़ी होगी, और वो दो महिलाएँ शायद चोर थी, लुटेरी थी। उन्होंने सोचा चलो इसको लूटते हैं, कोई भिक्षू होगा, कोई पागल सा बेवकूफ़ आदमी होगा। उन्होंने उससे कहा कि सुनिए, आपके पास जो भी है इस घड़ी समेत मुझको दे दीजिए, हम दोनों को दे दीजिए, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और हम कहेंगे कि आप हमको छेड़ रहे थे, आपको अंदर करवा देंगे। उस आदमी ने उनकी बातों को उनकी तरफ देखा और इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद उन दोनों महिलाओं ने उनसे फिर कहा कि अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमको दे दो, वरना हम तुमको पुलिस को बुला के अंदर करवा देंगे। उस आदमी ने उन दोनों महिलाओं की बात को फिर से इग्नोर कर दिया, ऐसे दिखाया जैसे लग रहा है कुछ देखा ही नहीं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन महिलाओं ने फिर से उससे कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमको दे दो, वरना हम तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे, ये बताकर कि तुम हमको छेड़ रहे थे। उस आदमी ने फिर उनसे इशारों में ये कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमको जो कुछ भी कहना है कागज़ पर लिख कर दो। वो दोनों महिलाओं ने कागज़ पर एक पेन से लिख करके उस आदमी को दिया कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है अपनी घड़ी समेत हम लोग के हवाले कर दो, वरना हम पुलिस को बुला करके तुम पर छेड़खानी का आरोप लगाकर जेल भिजवा देंगे। उस आदमी ने उनसे वो कागज़ ले लिया, पढ़ा और मुस्कुराया, और फिर मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, अब बुलाओ पुलिस को। पता है वो कौन थे? वो थे हमारे विदेश में भारत का नाम रोशन करने वाले स्वामी विवेकानंद। तो इससे सीख मिलती है कि कभी कभी दिमाग लगाना चाहिए। आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हों, कभी कभी चालाकी दिखानी चाहिए।